यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वही शुक्रवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खरखौदा पहुंचे और इस दौरान सीएम ने खरखौदा में कुश्ती एकेडमी का शिलान्यास किया। ये एकेडमी लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि इस कुश्ती एकेडमी से खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलेगा और वही खिलाड़ियों के सम्मान में मिलने वाली राशि को रोके जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि खेल नीति में कुछ बदलाव किया गया है और जल्द ही ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों के विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। छोटराम जी के नाम से ये जो कुश्ती का एक आधुनिक दृष्टि से एक अकादमी का आयोजन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, मैं जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। इसी काम के लिए मैं जो नीति हमारी जो बनी हुई है पहले से, उस नीति में कुछ बदल किए थे, वो बदल नहीं था। तो पुरानी नीति के हिसाब से ही जो एक साल के अंदर अंदर नाम दिए जाते हैं, वो एक साल के अंदर अंदर उनको दिए जाएंगे।